तरह दिस इज द फाइनल लुक. जल्दी हाँ एक मिनट. हाँ बोला खाली करो, पागल हो गई बात नहीं ना तो बोल. जैसे ही मैंने कहा खाली कर, अपनी असली जुबान में आ गई है. क्या करूँ, खाली करूँ. Hi guys, welcome to the YouTube channel of Hira Faisal. और अभी मेरे बाल थोड़े से गीले हैं और मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ अपने बालों के साथ जिसका नाम है हीटलेस कर्ल्स. अगर वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा तो मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी इस चीज पे. अभी की अपडेट ये है कि हम लोग निकल रहे हैं न्यू ईयर ट्रिप के लिए. कहाँ कहाँ रुकेंगे रस्ते में, क्या क्या करने वाले हैं, बहुत सारा फन करने वाले हैं, सब चीजें आपके साथ वन बाय वन ईच एंड एवरीथिंग हम शेयर करेंगे. सो स्टे कनेक्टेड. अभी हम लोग पैकिंग कर रहे हैं तो आपको वो चीज़ें दिखाते हैं. सबसे पहले मैंने अपना मेकअप बैग बना लिया, वो भी दिखाती हूँ आपको. सबसे पहले इसको मैं रैप कर लूँ क्योंकि एक मेरे कर्ल्स का एक पार्ट है. थोड़ी सी वियर्ड लगूंगी बट थोड़ा सा इग्नोर कर देना बिकॉज मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ. अगर कामयाब रहा तो बताऊंगी फिर. सो हमने अपने बालों को कुछ इस तरह से रैप कर लिया है. ये भी एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है, ठीक है. तो हंसना बिल्कुल भी नहीं है और थोड़ी सी फनी लग रही हूँ बट आई होप बहुत अच्छे लगे मेरे कर्ल्स, ठीक है. तो ये इसकी पूरी वीडियो पूरी डिटेल में, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगे तो मैं पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा. और अब अपनी पैकिंग दिखाती हूँ. अभी वैसे मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया कि मैं क्या पहनने वाली हूँ. यहाँ पे मैंने अपना पूरा बैग भर लिया. ट्रैवल में ना मेरी बुक्स लाजमी होती हैं. मतलब अपना मेकअप भूल सकती हूँ लेकिन अपनी बुक्स नहीं भूल सकती ट्रैवल में. बट कभी कभी होता है कि ओके भाई, तो मैं यहाँ पे अभी कमरे में ऐसे ही एंटर हुई हूँ तो मुझे कमरे का नज़ारा ही डिफरेंट देखने को मिला है. पता नहीं यहाँ पे कौन सी तबाही मची है. मतलब सारे कपड़े और अम्मा देखना ना जरा क्या क्या रखी जा रही है. निकाल क्या रही हैं, ढूंढ रही हूँ ना बुलाओ. क्या ढूंढ रही है एक्चुअली. मैं मामा भी जा रही हैं तो उनको है कि मैं कुछ क्या वैसे ढूंढ क्या रही हैं. ग्लव्स रख के भी अपने ग्लव मामा थोड़े मोटे वाले ग्लव्स रख लेना. यहाँ पे पड़े हुए थे अभी इधर कहीं. हाँ. यहाँ पे मैंने कहीं देखे थे ये वाले हैं. ये वाले मेरे लिए रख लें. और सबसे पहले फातिमा ने कहना ये मुझे चाहिए. वैसे बर्फ स्नो वगैरह होगी ना तो उसमें बड़े काम आएंगे. मुझे तो अभी से इधर ठंड लग रही है. हमारा वहाँ जाके क्या होगा. और ये वाली शर्ट मुझे चाहिए. ये वाली नहीं, ये मैंने पहननी है. उसने रख ली लेनी. वैसे ना मेरी एक क्यूट सी छोटी सी मम्मी है. वो ना स्टूल पे खड़ी होगी. उनको ग्लव्स नहीं मिल रहे हैं तो खड़ी होगी. ध्यान से गिरना जाना मम्मी. अभी भी नहीं मिले. पापा को बुला लें, पापा खोल के देख लेते हैं. ये बड़ा मसला है जब आपने कहीं इस तरह की जगह पे जाना हो ना तो घर की पुरानी अलमारियां भी खोलनी पड़ती हैं कि यार कौन से सर्दी वाले मोटे कपड़े कहाँ रखे थे तो कुछ पता नहीं चल रहा है. यहाँ पे ऐसे इस तरह से कपड़े ठूसे हुए पड़े हैं. इधर नहीं मिलेंगे जब गर्मी. पता क्या होता है कि सर्दियों के कपड़े तब मिलते हैं जब गर्मी आ जाती है, जब हमारे किसी काम के नहीं रहते हैं. अच्छा मुझे ना टर्टल नेक वाले कपड़े इतने पसंद है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने सारी शर्ट्स ही वो रख ली है. ये भी टर्टल नेक, ये भी टर्टल नेक, ये भी बस सब कुछ यही रख ली है. आप लोग भी कमेंट में बताएं कौन कौन टर्टल नेक लवर है. हाई नेक लवर कह लें या टर्टल नेक लवर हाई नेक लवर या टर्टल नेक नवर. हाई नेक लवर टर्टल नेक लवर ना इट्स द करेक्ट. सो तारा दिस इज द फाइनल लुक. मतलब ये वो कर्ल्स हैं जो मैंने विदाउट कर्लिंग रॉड या फिर मतलब किसी हीट को यूज़ नहीं किया और ये मेरे मैंने नेचुरल कर्ल्स बनाए अपने. एंड ओ माय गॉड चेक द रिजल्ट. फर्स्ट टाइम ट्राई किया और अमेजिंग हैक है. मैं आपके साथ एक वीडियो में शेयर करूंगी. अभी क्योंकि मैं पैकिंग चेकिंग कर रही हूँ तो मैं ज़रा वहाँ पर बिजी हूँ तो मैं नहीं कर सकती. बट चेक द रिजल्ट. इट्स Oh my God. रिव्यू लेती हूँ जाके. पापा आ गए. हाँ जी आ जाए. पैकिंग कर रहे हैं बस. जल्दी करो ना, सामान बाहर रखो. निकलना तो सुबह 9 बजे. के बस अच्छा ठीक है. काम फेड़ना ना, वो काम में थोड़ा ही पानी. बट अभी मुझे मेरे गर्ल्स को खुश हो लेने दे प्लीज. इट्स टू मच. मतलब क्या मैं अपनी तारीफ करूँ बस. ठीक है ओके, किसी वीडियो पे बताऊंगी आपको. अभी के लिए मेरे अब्बा से मुझे डांट पड़ जानी है तो अभी के लिए मैं माजरत चाहती हूँ. मैं आपको नहीं बता सकती, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, बाद में बताऊंगी. अभी ये जो सब गंद पड़ा हुआ है ना ये समेटने वाला मेरे अब्बा ने मुझे, क्योंकि भाई उन्होंने कहा सब चीज़ें साफ करके जानी है. ओके सो मुझे मामा ने कहा है कि तुम्हारे और जैनब के कपड़े जो है ना वो एक ही सूटकेस में जाएंगे. तो वेट जैनब की तुमने अपने कपड़ों से इतना भर लिया तो मैं क्या लेके जाऊंगी. क्या Because it's all about my stuff. फुल भर लिया मैं अपने कपड़े कहाँ रखूंगी. मैंने भी अपने सिर्फ एक जैकेट लाई रखने के लिए. ये आप ही का है. इसमें जगह बनाओ फटाफट से जल्दी से.
रहना, मैंने फिर मैं जब पूजा बनने पे आई ना, मैं तुम्हें बता दूंगी, यू आर डाइंग फॉर इट, यू वांट इट, फिर चुपचाप ये फटाफट से ये साफ करो, आधा कर लो ना, सुने शाबाश। हाउ कैन आई डू दिस? अभी मैं तुम्हारी इंग्लिश की पंदे नहीं है जो तुम इंग्लिश बोली जा रही हो कब से, ठीक है बकवास ना करो, मैं उर्दू में बात कर रही हूँ ना, तो उर्दू में मैं चलो ड्रामे ना लगाओ, शाबाश, अच्छी बच्ची हो ना, पत्ती हो के नहीं, How can I do this? How? फिर तुम्हारे अपने जैसे कल्स डालूंगी तुम्हारे, घंटा लगेगा लेकिन अच्छे लग रहे हैं कि नहीं? It's looking good. बस इंग्लिश क्यों बोल रही हो, मैं हूँ इंग्लिश बोलने पे, for long hair, not my short hair. You should try this one. I think हाँ, yes. Looking I think हाँ, yes. But what? Straight hair suits me. इसको खाली करो जल्दी, Zainab, no more acting. चलो जल्दी। हाँ, एक भी कहाँ बोला? खाली करो, पागल हो गई। बात नहीं ना तो बोल दो। अब मैं कब से इंग्लिश में बात कर रहा था तो सुना ही नहीं। उर्दू में बोला था तो जैसे ही मैंने कहा खाली करो, अपनी असली जुबान में आ गई है। क्या करूँ, खाली करूँ? चलो नहीं कर सकती, आधा आधा हाफ खाली कर दो प्लीज। नहीं मतलब हाउ, क्या ऐसा करो ना, शर्ट्स रख लो, पैंट्स घर छोड़ दो, या पैंट्स रख लो शर्ट्स घर छोड़ दो। प्लीज यार ड्रामे नहीं लगाओ यार, लेट हो रही हूँ। मैं करूंगी फिट, ये भी इंग्लिश में बोलो। नहीं 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 ये भी इंग्लिश में, जल्दी से मैं तुम्हारी ये चुटिया ऐसे खोल देनी है, थोड़ी सी स्पेस बना लो ना, आप ही देखो क्या मैंने इसको क्या स्पेस बना लो, उसका तो छोटू सा है। कपड़े पूरे आ सकते हैं, चल जल्दी कर, इसको आधा कर लो ना Zainab। मैं कैसे करूंगी मम्मा, आप खुद बता ली आधा नहीं कर रही है, मैं कह मैं इसलिए सारे अपने, हाँ ऐसे लग... आउटफिट है मेरे तो इस पूरे टची में, जहाँ हम दो दिन के लिए रहे हैं, चार कपड़े क्या करने हैं? कब्जा ग्रुप आ गया, ये तो मैंने छोड़ी थी, ये तो मुझे अच्छी नहीं लगी थी, मैंने कहा मैंने नहीं लगी। Zainab चुप करके ना ये आधा करो, वरना तुम्हारे कपड़े ऐसे एक एक करके लोग कब्जा कर लेंगे। इतनी ठंडी, ये मेरी आंटी लेके आई थी, उनको पता था कि हीरा ने जाना है और उसको ये जैकेट। अभी वो देखो इतनी जैकेट्स पड़ी हुई हैं, इतने सूट पड़े हुए हैं, एक आधा फर भी रखा है, कलर ज्यादा अच्छा है। ओके गाइस, सो कपड़े हाथ में रख के व्लॉग बनाना थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत मुश्किल हो रहा है। सो मेरी ये सारे कपड़े हैं जो मैंने ले लिए हैं, अब मैं रखने जा रही हूँ। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये दरवाज़ा मेरे लिए कौन सा जिना खोलेगा। यहाँ पर रखने पड़ेंगे मैं हमारे कपड़े, सब यहाँ पर रखूँगी। फातिमा अंदर हंस रही है मेरे में, अब हम इसको खोलेंगे पाँव से, अब फटाफट से कपड़े उठाएंगे, भागेंगे ताकि दरवाज़ा पहले बंद ना हो जाए। यहाँ की तो लाइट ही बंद है, देखिए हम लाइट्स ऑन करेंगे। चलो जो अब हम Zainab के इसमें से जगह बनाएंगे, मैंने इसको बोला था कि खाली कर दे बट स्टिल उसने कुछ भी खाली नहीं किया है, तो हम ये सारा सामान यहाँ पे फेंक रहे हैं। ओहो मैं तो तय लगा के लाई थी, वो फिर से खुल गया सारा, तो अब हम इसको रखते हैं सारा सामान वापस Zainab की जगह, बनाती हूँ इसकी कुछ चीज़ें निकाल देती हूँ अंदर से, ये पता चले उसकी एक जीन्स मैं इधर ही छोड़ दी हूँ, तो वो वहाँ पे जाके उसने अपने पूरे हम लोग ऑलमोस्ट जा रहे हैं 3 से 4 दिन के लिए, तो उसने प्लान बनाया हुआ इस दिन ये वाला पहनना है, इसके साथ ये वाली जीन्स, ये वाली इयररिंग्स, ये वाली शर्ट। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि बस एक हम ही हैं जो कुछ भी पकड़ा है, कुछ मतलब कुछ भी पकड़ा है मैंने और लेके जा रही हूँ, देखते। अच्छा मतलब उसने नाइट सूट भी शॉपर में डाल के रखा हुआ है बैग में, कि ये नहीं है कि मैं इसको निकाल के साइड पर रख दूँ। अब देखो आधी से ज़्यादा जगह तो ऐसे ही खाली हो गई है, उसी ने इसको कवर किया हुआ था। चलो अभी अपना सामान रखते हैं सारा, वहाँ पर ठंड होनी है, मुझे तो यहाँ पर बहुत ठंड लग रही है, मुझे समझ यार ये तो ये क्या मतलब मैं ये सब रखूँ कैसे, तो ऐसे ही फील हो गया सारा। घुसाते हैं फिर भी मुझे नहीं पता चल रहा है इसको कैसे रखना है इन कपड़ों को, तो भाई हम लोग ना आसान सा तरीका अप्लाई करते हैं, वो ये लाइक दिस खोल खोल के, तय नहीं करेंगे वरना शायद पूरे ना, ठीक है ये देखें ऐसे, ये है सबसे बेस्ट और आसान तरीका, देखे तय करने की भी जरूरत नहीं है, ये कहीं पे भी फिट हो जाएंगे। सुबह उठ के Zainab ने मैंने कहना है हेरापी ये आपने क्या किया है, मैं इतने अच्छे तरीके से पैक करके गई थी, आपने सब गंद मार दिया, ये देखे ये एक और आ गई अंदर। सो अब हम लोग जाएं, ये देखें ये वाली जैकेट भी हम किसी तरीके से पूरी कर ही लेंगे, ये देखें भाई हम जुगाड़ू लोग हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। बस मुझे कोई
मुझे दुनिया का सबसे बुरा काम लगता है कपड़े तय करना. मैं कहीं पर भी यूं करके फेंक दूंगी. मुझे सबसे बुरा काम लगता है कपड़े प्रेस करना अपने किसी के. मुझसे नहीं होते ये काम. मैं ऐसे ही रख रही हूँ. हालांकि थोड़ा सा टाइम लगता है बट नहीं होते तो नहीं होते ना. दिल नहीं करता पता नहीं क्यों. बस मामा करके दे दें तो ठीक है वरना अगर खुद से करूँगी तो गंदे मंदे बहुत बुरे. और मेरी एक कैप अभी कुछ सामान उधर रह गया वो भी लेके आती हूँ. मतलब कोई डेडिकेशन चेक करे. सुबह के 4 बज रहे हैं और हीरा मैडम सब सो चुके हैं. मेरी आदत है लास्ट टाइम पे लास्ट मोमेंट पे जो भी चीज़ पकड़ी पैक की और निकल गई. मतलब सुबह के 4 बजने वाले हैं हमें सुबह 9 बजे निकलना है और हीरा मैडम जो हैं वो अभी पैकिंग कर रही हैं. और अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. मैंने बस जो जो चीज़ें हाथ में आई हैं वो रखी हैं. ये जैकेट भी दिख रही है प्यारी लग रही है रख लेती हूँ कहीं काम आ जाएगी. ओके सो फाइनली हमने सब चीज़ें रख ली हैं इसमें. अब ये किसी तरीके से बंद हो जाए. मुझे ऐसे लग रहा है इसमें जगह है और तो हम इसको रखते हैं. और कुछ रह तो नहीं गया. ओह माय गॉड मुझे लग ये वही हुआ जिसका डर था. जैनब का नाइट सूट यहीं पे ही रह जाना था. मैं इसमें से निकाल दूँ कि ऐसे ही रख देती हूँ. खैर वरना से मेरी जान निकाल देनी थी. रॉपी आपने अपने कपड़े रख लिए मेरा नहीं रखा. तो मैं भी तो वो नीचे जाके सुकून से सोई भी. अब हमने इसको पहाड़ बना लिया है पूरे. मतलब देख लें इतना पहाड़ बना है. और किसी तरीके से एडजस्ट करते हैं इसको बंद करते हैं. जिप मैं सुबह जानब से कहूँगी लगा दे क्योंकि ये फिट नहीं हो रहा है. हो जाएगा वैसे इसमें ऐसी चीज़ें आ जानी चाहिए. सो हमने अपना सामान कर लिया है बिल्कुल रेडी. अब हमें सुबह 9 बजे शार्प 9 बजे कहते तो 9 बजे ही है लेकिन देखो कब उठते हैं कब नहीं. क्योंकि अगर हम अभी 4 बजे सोएंगे तो सुबह कितनी जल्दी निकलेंगे. बल्कि नहीं निकला जाएगा ना. तो देखते हैं कि हम अब निकलते हैं. हम सुबह निकलेंगे और बाकी की चीज़ें आपको दिखाता हूँ कि बाद में. तो इस टाइम ना काम करते करते ना साथ साथ ना मुझे भूख भी लग गई थी. हम सबको ही लग गई थी. तो अभी मैंने मंगवाया है बाहर से पराठा रोल. पापा को नहीं पता बिल्कुल भी नहीं पता. वो लोग तो मुझे लगता है सो चुके हैं इस टाइम. तो चुप करके जाना है अब नीचे. चुप करके हमने अपना ऑर्डर रिसीव करने बाहर खड़ा होना है इस टाइम. तो पता चल गया ना तो मेरी फाट लग जानी है. मुझे जिंदा नहीं पूछना. पहले चेक कर लेते हैं कि सो गए हैं कि नहीं. जिस बंदे की जो ऑर्डर लेके आया है. हम लोग तो भैया ऐसे ही हैं जब भूख लगती है जितने मर्जी लग जाए हम लोगों ने खाना खाना ही खाना. मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कोई मिशन पास किया. पापा उठ गए ना तो मुझे इस धरती से उठा लेगा कोई. सो यहाँ पे मैं आके आराम से बोल सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं है. सो अब हम खाना खाते हैं. चलो बच्चों तुम लोगों को पता है इतनी मुश्किल से लाई हूँ. मुझे था कि पापा उठ गए ना तो पापा ने बड़ा डांटना. ऊपर से एक तो फास्ट फूड ऊपर से इतनी रात को. पकड़ो मुझे मेरा पराठा रोल दे दो आराम से और मैं खा के सोने लगी हूँ. और मुझे कोई ना बुलाए 2 दिन तक. मैं इतना थक गई हूँ. फातिमा पराठा रोल. तो गाइस अब लोग हम लोग रात को खाना शाना खा के मैं सो चुकी थी. तो अब मैं उठी हूँ और ये एक्साइटमेंट के बाद आवाज़ें निकल रही है. और हम लोग थोड़ी देर में निकलेंगे और बाकी की वीडियो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाई जाएगी. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर और स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर वीडियोस एंड आई विल बी राइट बैक विद अनदर व्लॉग.